सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 15 जनवरी से सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की गई है। इसी क्रम में राजनांदगांव जिले में पुलिस ट्रैफिक सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। राजनांदगांव एसपी और कलेक्टर राजनांदगांव के ट्रैफिक कार्यालय पहुंची राजनांदगांव कलेक्टर राजेश अग्रवाल ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि वाहन चालकों को हेलमेट और कार चालक को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। विभिन्न समाज के प्रतिनिधि, एनएसएस और एनसीसी के कैडेट की मदद से स्कूल कॉलेज किया जाए। राजनांदगांव से निमिष अग्रवाल की रिपोर्ट। लोग पिछले कई वर्षों से हर साल या तो सड़क सुरक्षा सप्ताह या सड़क सुरक्षा माह मना रहे हैं, लेकिन क्यों मनाने की जरूरत पड़ती है, उससे पहले जो वक्ता है उन्होंने बताया भी। आप भी कितने लोग हैं जो 18 साल के हो गए हैं? अरे वाह, सभी 18 साल के हो गए। कितने लोगों के पास लाइसेंस है? कितने लोग गाड़ी चलाते हैं? तो जो बिना लाइसेंस वाले हैं वो क्यों लाइसेंस नहीं बनवाते हैं? कितने लोग हेलमेट लगा के गाड़ी चलाते हैं ईमानदारी से? बाकी तीन कारण है जिसके कारण से एक्सीडेंट होता है। या तो हम बहुत रफ ड्राइव करें, और या फिर हम कुछ ऐसी खान पान में कुछ ऐसी चीजें ले लें जिसके कारण हम कंट्रोल ही नहीं करता उस ड्राइविंग हमारा, और इसका नुकसान जो है शायद किसी ऐसे परिवार को इतना नुकसान हो जाता है कि होल लाइफ, अगर किसी कमाने वाले की डेथ हो गई तो हो सकता है कि उनके बच्चे जहां जाना उनके जाना चाहते थे बच्चे वहां न पहुंच पाए। इसमें यही है कि सावधानी बरते गाड़ी ड्राइव करते समय, और जो बेसिक है हेलमेट पहन के निकले, अगर बाइकर्स हैं तो हेलमेट पहन के निकले, फोर व्हील पे जा रहे हैं तो सीट बेल्ट पहने और स्पीड पे कंट्रोल करके निकले, कंट्रोल करके चलाएं, तो हम अपना भी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, अपने परिवार जो हमसे पूरी अपेक्षा रखता है उनका भी, पूरे परिवार का ध्यान इसमें रखा जाता है। साथ में अगर हमसे कोई ऐसी गलती होती है जिससे किसी परिवार का नुकसान हो तो उस नुकसान से भी बचा जा सकता है। आज से एक माह का जो सड़क सुरक्षा माह 2024 हम लोगों के द्वारा मनाया जा रहा है जिला प्रशासन और जिला पुलिस राजनांदगांव द्वारा, इसमें हम लोगों ने पूरे एक महीने के लिए विभिन्न एक्टिविटीज़ का आयोजन किया है। आज जैसे हम लोगों ने सभी को आह्वान किया है, जो हमारे समाज के विभिन्न वर्ग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, एनसीसी एनएसएस के जो वॉलंटियर्स हैं उन लोगों का भी काफ़ी बड़ा योगदान और इसमें बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट इसमें रहता है। और पूरे ज़िले में अलग अलग भाग में सभी स्कूल कॉलेज में बच्चों को जागरूक करने के अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे।